अच्छा वॉइस ओवर कैसे करें? जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी जो वॉइस है वो क्लियरली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो एंड आप लोग किस तरह से एक बेहतरीन वाला वॉइस ओवर कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ एंड आप लोगों को आपकी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी एंड आप लोगों में जो बोलने का टैलेंट है वो कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं उनकी हेल्प से आप लोग एक बेहतरीन वाला वॉइस ओवर कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोग मेरे से भी अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हो। और एक और चीज गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए ना ही किसी माइक का यूज करता हूं और ना ही मेरे पास में कोई अच्छी क्वालिटी वाला मोबाइल है। अब दोस्तों, वॉइस ओवर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने से पहले एक और चीज जानना जरूरी ये है कि गाइस हमारे लिए जो अच्छा वॉइस ओवर है वो कितना और क्यों जरूरी है। अगर दोस्तों आप लोग भी एक गेमिंग यूट्यूबर हो तो गाइस आप लोगों की जो वॉइस है ना उसकी वैल्यू आपके फेस से भी ज्यादा है। बिकॉज अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत सारे यूट्यूबर है जिन्होंने फेस रिवील नहीं किया है, उनकी वॉइस से ही उनको जाना जाता है एंड उनकी अच्छी वॉइस के कारण ही उन्होंने यूट्यूब पर ग्रो किया है। और दोस्तों, अच्छा वॉइस ओवर करने के फायदे तो इतने सारे कि मैं अगर आप लोगों को सारे फायदे बताने लग गया तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए गाइस मैं आप लोगों को फटाफट से यही बता देता हूँ कि अच्छा वॉइस ओवर कैसे करना है और वॉइस को रिकॉर्ड करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो गाइस अच्छा वॉइस ओवर करने के लिए आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोग जो भी बोल रहे हो वो ना तो ज्यादा लाउड होना चाहिए ना ज्यादा धीमा होना चाहिए, गाइस मीडियम होना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर आप लोग धीरे धीरे बोलोगे तो आप लोगों की वॉइस के साथ में बैकग्राउंड नॉइज भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप लोग शांत जगह पे वीडियो बना रहे हो, बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, फिर भी गाइस आप लोगों का जो मोबाइल का माइक है वो अपने आप ही नॉइज को क्रिएट करके रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर आप लोग ज्यादा लाउड बोलोगे तो गाइस उससे ये होगा कि आप लोगों का जो बोलने का टेक्निक है, जो बोलने का टैलेंट है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और देखने वाले बंदों को क्लियर पता चलेगा कि भाई आप तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब दोस्तों, मैं ये चीज मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि गाइस हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में अज्जू भाई, टोटल गेमिंग जो अज्जू भाई है गाइस, वो क्या करता है कि बिल्कुल ही अच्छे से मीडियम वॉइस में बोलते हैं। ज्यादा तेज अगर वो चिल्लाएंगे तो आप लोग खुद ही सोच के देखो, एक बार इमेजिन करके देखो कितना बुरा लगेगा उनको वीडियो अगर वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। इसीलिए गाइस आप लोगों की जो वॉइस है वो मीडियम रहनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि गाइस आप लोग जहां पर भी आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो वो जगह बिल्कुल शांत होनी चाहिए, वहां पर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी चीज ये कि आप लोग जब भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई सामने वाला बंदा जो मेरे पास में बैठा है या फिर उधर दूर खड़ा है जो सुनेगा मेरी वॉइस को तो क्या बोलेगा। मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मेरी मम्मी या फिर पापा कोई सुन रहा है तो उनको कैसा लगेगा, या फिर मतलब इस तरह का आप लोगों को सोचना नहीं है कि भाई सुनने वाले बंदे को कैसा लगेगा या फिर यार मैं धीरे बोल लेता हूँ ताकि उनको ना सुनाई दे। आप लोगों को बिंदास होके बोलना है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। मतलब कि दोस्तों, आप खुद को ऐसा बना लो कि आप कैसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, लेकिन वीडियो बनाने के टाइम पे आप लोगों को साइनेस बिल्कुल खत्म कर देनी है, मतलब कि शर्म बिल्कुल छोड़ देनी है। आप लोगों को वॉइस ओवर पे ध्यान देना है एंड बिल्कुल ही फैंटास्टिक तरीके से बिंदास होकर के बोलना है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तभी आती है जब हमको ऐसा फील होता है कि भाई हमारे पास में जो बैठा है या फिर कोई सुन रहा है वो क्या बोल रहा होगा, मतलब शर्म जो आती है ना हमको बोलने में, वही सबसे ज्यादा बिगाड़ती है हमारी वॉइस को, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना कि जितने भी यूट्यूबर अपनी कमेंट्री करते हैं स्टार्टिंग में, जब उनके सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं होते तब उनको सब सुनने वाले पागल ही बोलते हैं, लेकिन जब उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं तब आप लोग सोचो यार मेरे को मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे को मोटिवेशन देना भी नहीं आता एंड आप समझ चुके होंगे। चौथी चीज गाइस ये कि आप लोग अपनी वॉइस को जब रिकॉर्ड करते हो तो आप लोगों को एक लाइन, जो लाइन बोलनी है वो पहले ही रिपीट करनी है कि मेरे को इस बार ये लाइन बोलनी है, तो उसको बोल देना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसको डिलीट करके फिर से वॉइस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि यार मैं बार बार ये कि लाइन बोल रहा हूं पर मुझे बोलना नहीं आ रही, बार बार डिलीट करके वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो दोस्तों ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। मेरे को भी गाइस मेरी वॉइस को मतलब मेरे से भी बहुत बार इतना गलती होता है बोलने में कि बार बार कट करना पड़ता है एंड वापस से मेरे को रिपीट करके फिर वो लाइन बोलनी पड़ती है। एंड अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप लोग स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, लेकिन वैसे गेमिंग की तो कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाते, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग गेमिंग चैनल में भी गेमिंग वीडियो बनाने के लिए भी स्क्रिप्ट बना सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों, पांचवी चीज ये है कि गाइस आप लोग अपनी वॉइस को जब रिकॉर्ड करोगे तो आप लोगों को खुद की वॉइस जो है खराब लगेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी को खराब लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में जब न्यू बंदे होते हैं ना, कमेंट्री करने वाले, वॉइस ओवर करने वाले जब न्यू होते हैं तो उनको वॉइस बहुत ज्यादा खराब लगती है खुद की, एंड दूसरों को भी उनकी वॉइस खराब लगती है। क्योंकि गाइस मैं भी मेरा एग्जांपल देने वाला हूं, मेरी
मेरी पुरानी वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, उसमें मेरी वॉइस जो है कितनी बेकार थी एंड अभी कितनी इंप्रूव कर ली मैंने, ठीक है। इस तरह से इंप्रूव आप लोग भी कर सकते हो, एंड इंप्रूव आप लोगों को करनी नहीं है, बस आप लोग जो है डेली वॉइस ओवर करोगे तो ऑटोमेटिक ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरी पुरानी वीडियो क्लिप। तो हे व्हाट्सएप के कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी बड़े होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपना जो एडम चाचा है ये पहले काले और गोरे हो जाते थे, सभी लोगों को पता है, राइट हैंड साइड उनका ऑप्शन दिया रखा था, उनकी एबिलिटी का नाम भी था प्रिज्म, वही उनकी एबिलिटी थी। लेकिन यार गाइस अब हमारे एडम चाचा को क्या है कि हम तो दोस्तों देख सकते हो ये थी मेरी पुरानी वॉइस, मतलब पुरानी वीडियो में इस तरह की वॉइस आती थी, तब भी मैं इसी मोबाइल का यूज़ करता था एंड अभी भी इसी मोबाइल का यूज़ करता हूँ। दोनों कंडीशन में गए सेम सिचुएशन थी, सेम मोबाइल था, लेकिन आप लोग पहले वाली वॉइस में और अब की वॉइस में डिफरेंस देख सकते हो कितना इंप्रूवमेंट हो गया। और सेम गाइज ऐसा ही आपके साथ होगा, अगर आप लोग डेली वीडियो बना तो आप लोगों को भी अच्छा वॉइस ओवर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग जो है एक बार हिम्मत करके मैदान में उतर जाइए, आप लोगों की वॉइस धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी एंड बहुत अच्छा वॉइस ओवर आप लोग भी कर पाओगे। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई इनको फॉलो करके आप लोग अपना वॉइस ओवर बहुत अच्छा कर सकते हो। और इनके साथ साथ गाइस आप लोगों को एक और चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि आप लोगों को जो रिकॉर्ड करने का तरीका है, मोबाइल को किस तरह से पकड़ के आप लोग जो है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हो एंड मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी मोटी चीजें जो कि ध्यान में रखनी पड़ती है इनके लिए, मतलब वो पूरा तरीका होता है ना रिकॉर्ड करने का, किस तरह से रिकॉर्ड करना है, उसका ट्यूटोरियल वीडियो में अलग से बनाने वाला हूं, ठीक है। वो वीडियो भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अपलोड करने के 2-3 दिन बाद वो वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूं, मतलब इसी वीडियो का पार्ट 2 आप लोग समझ सकते हो, मतलब ये वीडियो उस वीडियो के बिना अधूरी है। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी देखने को मिल सकता है, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। आई होप कि गाइस आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।